देखिएगा नाश्ता हमारा तैयार हो चुका। अमरीन ने बना लिया नाश्ता और उसके पापा तो अभी सोते ही नहीं उठे। बच्चे भी देखो कैसे सो रहा है दोनों। और देखिएगा अमरीन ने बनाया आज हलवा। ये ब्रेड फ्राई कर लिए हैं, मेरे लिए बना के लाई हैं अंडा और चाय। मुझे तो अमरीन के हाथ का हलवा बहुत पसंद है। मैं अपने आप तो बनाती नहीं, बहुत कम बनाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता अपने हाथ का हलवा। अमरीन के हाथ का अच्छा लगता है तो आ जाइए खा लीजिए आप सब लोग भी हलवा। देखिएगा ये है मेरी माजी का नाश्ता, ये है मेरी माजी का नाश्ता। और मेरा छुटकू अभी सो ही रहा है, देखो किश्तों में नाश्ता चल रहा है आज हमारा। देखो छुटकू कैसे मज़े ले रहा है, मौसम का पूरा मज़ा उठा रहा। और सुबह से हो रही है बारिश, 6 बजे से इतनी बारिश है, बहुत ज़्यादा बहुत बारिश हो रही है 6 बजे से। अब ये है मेरी माजी का नाश्ता। अब हम तो चाय पी रहे हैं, बार बार हमें चाय पीने को मिल रही। तो देखिएगा पहले हमारा हुआ, अमरीन का मेरा हुआ, फिर अमरीन के पापा का हुआ, अब मेरी माजी का नाश्ता है। ये देखिएगा अब मेरी माजी करेगी नाश्ता। और मेरी माजी के बाल देखो कैसे फैल रहे हैं। ऊपर को करो चेहरा, ऊपर को करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए नाश्ता कर लीजिए। ये धुल गए हैं बर्तन दोपहर के खाने के। मम्मी चली गई थी पट्टी कराने, आज पट्टी हुई है, चेंज हुई है आज फिर से पट्टी। ये बेडशीट गंदी हो गई थी, मैंने चेंज कर दिया है इसको। और ये बिछाई है क्योंकि गर्मी में लाइट शेड ही अच्छे लगते हैं, डार्क शेड की बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लगती, गर्मी सी लगती है देखकर भी। बस ये बेडशीट कर दिया चेंज। और ये है मेरी गुड़िया रानी, ये कह रही है मुझे आइसक्रीम बना दीजिए फ्रूटी की। क्या चाहिए आपको? ये देखिए कितनी प्यारी चोटी है मेरी गुड्डों की, देखिए प्यारा लग रहा है मेरा बेबी। अब ये पढ़ने जाएगा ट्यूशन। ये देखिए आज बना रही हूँ मैं छोले और उसके साथ बनाऊँगी पूरी। छोले के लिए मैं ये लिए अनियन और ये टोमेटो, इन सबका बना लूँगी पेस्ट। इसमें बनाऊँगी मैं पूरी, इसमें और करूँगी ऑयल ऐड। और ये हमारे जो छोले हैं और आलू ये बॉयल हो गए हैं अच्छी तरह तरीके से, मैंने कट करके जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें अनियन टोमेटो और जिंजर, इन सभी का एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी मैं। और एक भगोने में ले लूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल और उसको कर दूँगी इसमें ऐड। ये खड़े गरम मसाले इसमें ऐड होंगे। ये पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये छोले बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा बहुत टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गर्मी है, बहुत तेज़ स्पाइसेस है ना नुकसान देते हैं। तो बस इसको देखें, यहाँ पर इतना मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें ऐड कर दिए हैं सभी खड़े गरम मसाले। और इनको होने देंगे थोड़ा क्रैकल, क्रैकल होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था वो। और बस अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें जिसमें से इसमें जो है ना कच्चे जो जिंजर की गार्लिक और जिंजर की जो है कच्ची स्मेल वो निकल जाएगी और अनियन की भी। थोड़ा करेंगे पानी ऐड और सब ये सब अच्छे अच्छे से भुन जाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे अपने बेसिक मसाले। सभी बेसिक मसालों को ऐड करने के बाद इसको फिर से चलाएंगे और इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पर ना जाए। ये देखिए इस तरह से, और बस इसको ढक करके पका लेंगे। और ढक करके पकाने के बाद देखिए पूरा जो ऑयल है ना वो उसके सरफेस पर आ गया है। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ग्रीन चिली जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से यहाँ पर भुन गया है। ये मैंने थोड़ा सा छोले का और उसमें छोटा सा पीस पटेटो का डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। इससे हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, थिक बनती है और बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। ये देखिए गरम गरम बन रही हैं पूरियाँ और अब हम पूरियों के साथ एंजॉय करेंगे अपना छोले। ये देखिए कितनी अच्छी पूरियाँ जो है बन रही हैं, सिक रही हैं, ये उतर रही हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था खाने में क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में इसी तरह के खाने अच्छे लगते। चलो करो बाय बाय। देखिएगा हम लोग खाएंगे अब खाना, अमरीन ने बना दिया खाना। सबसे पहले मुझे ही देती है अपने पापा का पैक करके, फिर पहले मुझे ही खिलाते हैं खाना। देखिए आज हमने बनाया छोले पूरी और यह रायता दही। तो दही तो मैं खाने के नहीं बैठे तो मुझे देती भी मत, और मैं खाऊंगी छोले पूरी। तो बस अब खाना खा लेते हैं, आ जाइए खा लीजिए आप भी। बहुत ही अम्मी लग रहे हैं देखने में भी छोले, देखें कैसे हैं, खा के देखेंगे बताएँगे आप लोगों से। हेलो माइजा,
क्या कर रही हैं आप? कैसी है रोटी? कैसी है? आप कहाँ पर गई थी? मम्मी के साथ कहाँ पर गई थी आप? डॉक्टर के यहाँ पर। कौन लेकर गया था? मामू जान। चलिए एंजॉय कर लीजिए फ्रूटी। देखिए आज टाइम निकाल करके मैंने सोचा थोड़ी फेस की पैम्परिंग की जाए, तो ये मैं बना रही हूँ फेस पैक। ये मैंने छोटा सा पोटैटो लिया है और यहाँ पे कर लेती हूँ तो ग्रेट। इसका जो है हम जूस निकालेंगे, क्योंकि पोटैटो में होते हैं ब्लीचिंग एजेंट, जो जिससे ये फेस को है ना अंदर तक से बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। और इसे डाल दूँगी मैं अब एक कपड़े में, ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसका जो रस है वो निकाल लूँगी पोटैटो का। देखिए इस तरह से खूब दबा दबा के इसके रस को हम निकाल लेंगे, जैसे इसको निचोड़ देंगे हम। ये देखिए इस तरह से। और इसमें लेमन का ऐड होगा और ये हमारा होममेड रोज़ वाटर है जो मम्मी ने बनाया हुआ है। इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, तो इस फेस पैक में मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से निकल गया है हमारे पोटैटो का जूस। और इसमें ऐड कर दूँगी ये वन टीस्पून ऐड कर दूँगी मैं राइस फ्लोर, और मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ लेमन। ये देखिए हाफ लेमन को इसमें मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। और ये रोज़ वाटर को इससे अच्छे से हम इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारे लिए स्कर्प का भी काम करेगा और फेस पैक का भी। इससे इतना अच्छा हो जाता है फेस, अंदर तक इससे क्लीन हो जाता है बहुत अच्छा। तो आज मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो गया। मैं अप्लाई करूँगी फेस। ये देखिए हमारी नानी की मनी प्लांट कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी नानी ने लगाया हुआ है प्लांट और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। ये देखिए देखिए रीबा बैठी हैं यहाँ पर। ये रीबा आप ही के पास आई थी ना अपना वर्क करने के लिए, आती हैं अब ट्यूशन आती हैं, तो अब ये यहाँ पर टीवी भी देख रही हैं क्योंकि मामी और बच्चे सभी इतना प्यार करते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग गई है और ये देख रही हैं यहाँ पर। मेरा माया का लेकर आई हैं एग, वो कह रही हम तो एग खाएँगे। अब एक बच्चा तो कहता है बॉयल खाएँगे, एक बच्चा कहता है फ्राई खाएँगे। अब देखो मेरे दोनों बच्चे, मेरी तीसरी का तो कोई जिक्र अलकाज होता ही नहीं, मेरी अमरीन का। अब देखो जी क्या खाते हैं। देखो पापा लेकर आए थे केले, सब बच्चे तो खाते ही नहीं है बनाना, कहते हैं इनको दे दो तो खाते नहीं। बस हमने ही खाए, हम डिनर मैंने खाए। मुझे भी सब लोग बताते हैं कि आप बनाना खाइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।